नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत बंद का भागलपुर में दिखा मिला जुला असर। विपक्षी पार्टियों ने अपनी पद स्कीम को वापस लेने की केंद्र सरकार से की मांग। बंद के दौरान भागलपुर में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। डीएम और एसएसपी खुद कर रहे थे मॉनिटरिंग। दिल्ली एम्स से उम्मीद खो चुके मरीज का भागलपुर में हुआ सफल इलाज। कैंसर के कारण काटना पड़ा था नाक और चेहरा। टीएमयू में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर प्रोफेसर योगेंद्र ने दिया धरना। शिक्षकों और छात्रों का मिला समर्थन। और बहन की शादी के लिए खरीदारी करने बाजार गए युवक को हाईवा ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। भारत बंद को लेकर उपद्रवियों और प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए रेलवे और भागलपुर जिला पुलिस सोमवार को पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। देश में लगातार हो रहे हंगामे और तोड़फोड़ को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम प्रशासनिक पदाधिकारियों और रेलवे के पदाधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर में भ्रमण करते दिखे, जबकि शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। भारत बंद को लेकर प्रशासन की ओर से शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जबकि किसी भी हिंसक स्थिति से निपटने के लिए हावड़ा जमालपुर सुपर एक्सप्रेस से विशेष बटालियन को भी भागलपुर बुलाया गया। वहीं इसको लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर रणधीर कुमार ने बताया कि 80 जवानों की विशेष टुकड़ी को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है और सुल्तानगंज जमालपुर कहलगांव और भागलपुर स्टेशन समेत रेलवे की परिधि में आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं के हिंसक प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए स्टेशन को पुलिस छावनी में बदल दिया गया और अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए भागलपुर रेलवे अलर्ट मोड में है, जबकि प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो शहर में 2000 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती अलग अलग जगहों पर की गई। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी स्थिति में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर एसएसपी बाबूराम ने अपने सभी अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को जिले के विभिन्न स्थानों पर भ्रमणशील होकर उपद्रवियों पर लगाम लगाने का निर्देश दिया। एसएसपी ने पुलिस लाइन के सभी पदाधिकारियों और जवानों के अलावा सीटीएस के अतिरिक्त जवानों के साथ बीएमपी के जवानों को भी बंद के दौरान ड्यूटी पर मुस्तैद रहने का निर्देश दिया, जिससे उपद्रवी कोई गड़बड़ी और हंगामा नहीं फैला सके। जबकि इसके अलावा विभिन्न जगहों पर लगी तीसरी आंख सीसीटीवी और इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर भी पुलिस नजर बनाए हुए हैं। एसएसपी बाबूराम ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जबकि बाजारों, मुख्य प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों के अलावा विशेषकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के साथ सभी सरकारी कार्यालय के पास पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। तैयारी की गई है सभी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर, स्टेशन पर जो महत्वपूर्ण स्थान है, सभी जगह पर डेपुटेशन किया गया है। मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी घूम करके देख रहे हैं। कंट्रोल रूम भी हम लोगों का 24 घंटे चालू है, तो पहले भी कोई समस्या नहीं हुई है और आज भी पूरी उम्मीद है कि किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं होगी। बाहर से हम लोगों को काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल प्राप्त हुआ है। सभी जितने भी संवेदनशील स्थल हैं सभी जगह फोर्स, दंडाधिकारी, कैमरा, इसकी प्रतिनियुक्ति की गई है और जो गड़बड़ी करने वाले संभावित लोग हैं उनको चिन्हित भी करके रखा गया है। सभी जगह नज़र रखी गई है। सभी पुलिस बल को निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वाले लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा, लेकिन अभी तक लोगों ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया है। इसके लिए मैं समस्त जिला वासियों को धन्यवाद देता हूं। छात्र या अन्य जो बुद्धिजीवी लोग हैं सभी ने जो भी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी लोग इसी तरह का धैर्य का परिचय देंगे। व्यापक सुरक्षा व्यवस्था किया गया है और बाहर से भी फोर्स मिला है हम लोगों को, वैसे फोर्स की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। सारे ऑफिस को भी में जितने भी फोर्स हैं उसको भी क्लोज किया गया है, साथ ही और जो हमारे चौकीदार, होमगार्ड जितने भी सबको लगाया गया है।
इसलिए सुरक्षा व्यवस्था काफी व्यापक है, काफी चुस्त दुरुस्त है। अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भागलपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारी खुद सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सोमवार को सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने नाथनगर के मेदिनीनगर चौक, सुभाष चौक, रेलवे स्टेशन समेत अन्य इलाकों का भ्रमण किया। सिटी SP ने कहा कि विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस बलों के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। बंद के दौरान प्रदर्शनकारी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी और हंगामा ना कर सके, इसको लेकर पुलिस विभिन्न जगहों पर CCTV कैमरे और सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखें, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करते पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। चप्पे चप्पे में पुलिस की तैनाती की गई है, सभी जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनिधि की गई है। सारे रेलवे स्टेशन, सारे रेलवे हॉल्स, जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है, कलेक्ट्रेट, पुलिस सभागार से लेके BJP ऑफिस से लेके और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके ऑफिस, उनके घर को प्रोटेक्ट किया गया है। हम लोग की यही कोशिश रहेगा कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। कैंसर के कारण अक्सर लोगों का चेहरा बिगड़ जाता है, लेकिन ऐसे चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम कर रहे हैं भागलपुर शहर के प्रसिद्ध मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर सनातन कुमार और प्रोस्टोडोंटिस्ट डॉक्टर अमृता प्रीतम। पूर्वी बिहार के गिने चुने ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले डॉक्टर सनातन कुमार के क्लिनिक में गंभीर मरीज भी यह मानकर आते हैं कि उनका अपना चेहरा फिर से वापस मिल जाएगा, और ऐसा होता भी है। दरअसल दिल्ली एम्स में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी 25 वर्षीय नूरुल मोमिन को 2 साल पहले यह कहकर लौटा दिया था कि ऑपरेशन के बाद उनका चेहरा पहले जैसा नहीं दिखेगा। इसके बाद वह मायूस हो गया। इस दौरान नूरुल को भागलपुर के रहमान नर्सिंग होम के बारे में पता चला, जिसके बाद वह डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान से परामर्श लेने आया। वहीं नूरुल की पहली सर्जरी डॉक्टर रहमान के क्लिनिक में डॉक्टर सनातन ने की। इसके बाद डॉक्टर सनातन और डॉक्टर अमृता प्रीतम नूरुल मोमिन को पहले जैसा चेहरा लौटाने के प्रयास में जुट गए। डॉक्टर सनातन ने बताया कि नूरुल का दाहिना चेहरा कैंसर ग्रस्त था, जो आंख और नाक में भी फैल गया था, इसलिए उसे काट कर हटाना पड़ा। वहीं डॉक्टर अमृता प्रीतम ने कहा कि नूरुल के कैंसर ग्रस्त भाग को निकाल देने के बाद हम लोगों ने उसके चेहरे को पहले जैसा लुक देना एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने बताया कि करीब 2 साल की मेहनत और कई सर्जरी के बाद कृत्रिम अंग बनाकर नूरुल मोमिन को लगाया गया, जिससे पहनने के बाद अब वह सामान्य इंसान की तरह दिखता है। डॉक्टर ने बताया कि इस तरह की सर्जरी बिहार झारखंड में पहली बार हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल से आए नूरुल के भाई मसले उद्दीन मोमिन ने कहा कि हम लोग इलाज की उम्मीद खो चुके थे, लेकिन भागलपुर के 2 चिकित्सकों ने मिलकर मरीज के चेहरे को पहले जैसा बना दिया। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व नूरुल का चेहरा काफी डरावना दिखता था, जिसके कारण वह परिवार और समाज में घुल मिल नहीं पा रहा था, लेकिन अब वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी रहा है। ये नूरुल मोमिन है जो कि हमारे पास चेहरे का कैंसर का प्रॉब्लम लेकर आया था, उसको एम्स ने रिजेक्ट कर दिया था। इसको हम लोगों ने इसकी सर्जरी की, इसमें हम लोगों ने 2 चरण में इसकी सर्जरी की थी। पहले हम लोगों ने चेहरे का किया था क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी हो रहा था, और फिर सेकेंड स्टेज में फिर इसके गले का ऑपरेशन किया गया था। तो चेहरे के सर्जरी के दौरान इसका हमें दाया आँख, नाक और दाया भाग चेहरे का हटाना पड़ गया था, और फिर हम लोगों ने सेकेंड स्टेज में इसका गले का ऑपरेशन करके सारी गले की ग्रंथियाँ को निकाला, जो उसको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा था, जो कि एक तरह का कैंसर जो कि मुंह या चेहरे पर पनपता है। तो ये सर्जरी इसकी हुई, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि चेहरे के भाग को हटाना भी था और हम लोगों को ये भी देखना था कि उस चेहरे को वापस हम लोग फिर बना सके। तो फिर हम लोगों ने इसके जान से चमड़े को लेकर उसके चेहरे पर लगाया, जिससे कि इसका चेहरे का कुछ विकृति कम हुआ और चेहरे के मांसपेशियों को फिर हम उसको चमड़े से ढक सके। जब मुझे ये केस मिला, ये एक्चुअली एक मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस, जो हमारा डेंटिस्ट्री का एक विभाग है प्रोस्टोडोंटिक्स, जिसके अंदर एक सब स्पेशलिटी है मैक्सिलोफेशियल प्रोस्टोडोंटिक्स, उसका ये काम होता है। जब ये केस मिला, इसका राइट आई और नाक का कुछ पोर्शन और फेशियल पार्ट नहीं था, तो ये हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं पेशेंट को, जिसमें उनका कुछ नकली जो भी पोर्शन है फेस का, जैसे इनके में राइट आई, नाक और फेशियल पार्ट रिकंस्ट्रक्ट करने को मिला था। काम से तो मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि एक नया जीवन मिला है। पहले अपना चेहरा नहीं दिखा पाते थे समाज में, अब ये एकदम ऐसे खुले असर जा रहे हैं। मेरा भाई को कैंसर हुआ है, उसके बाद कलकत्ता गया, दिल्ली गया, उसमें रिजेक्ट कर दिया, उसमें काम नहीं हुआ,
उसके बाद भावपुर में पता चला, उसके बाद आ गया तो कैंसर ऑपरेशन किया, उसके बाद चेहरा बिगड़ गया, उसके बाद मैम नाक और आँख बनाकर बहुत अच्छा किया, उसके बाद अब उसके बाद वो चल पे आ गए घुट पे, जब आएंगे गमछा लगा के आता हूँ, उसके बाद आप नहीं लगा सकता है गमछा, हम लोग ऐसे ही चलते आते हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हजारों छात्रों की डिग्रियां कुलपति के हस्ताक्षर नहीं होने से फंसी है। प्रतिदिन विश्वविद्यालय में डिग्री लेने वाले छात्र छात्राओं की भीड़ लग रही है। दरअसल प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे दिसंबर के बाद से अब तक TMU नहीं आए हैं। वहीं TMU की बदहाल व्यवस्था को लेकर विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को विश्वविद्यालय के पूर्व DSW प्रोफेसर योगेंद्र समेत के शिक्षक आज छात्रों ने कुलपति कक्ष के सामने धरना दिया। धरना पर बैठे पीजी हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति के नहीं रहने से समस्याओं का अंबार लगा है, लेकिन कुलाधिपति और मुख्यमंत्री इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके विरोध में आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि भैरवा तालाब से निकाली गई मिट्टी से लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी और मारवाड़ी कॉलेज रोड में प्रतिदिन लोग फिसल कर गिर रहे हैं, लेकिन TMU प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। बता दें कि रविवार को लालबाग कैंपस में मंदिर के सामने स्कूटी फिसलने से डॉक्टर योगेंद्र की पत्नी अलका सिंह की कोहनी टूट गई थी। इधर रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने धरना पर बैठे शिक्षकों से वार्ता की और समस्या समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि भैरवा तालाब का काम करा रहे प्रबंधक को मारवाड़ी कॉलेज रोड और प्रोफेसर कॉलोनी की सड़कों से मिट्टी हटाने का निर्देश दिया गया है। धरना में प्रोफेसर पवन कुमार सिन्हा, प्रोफेसर के मंडल, डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, डॉक्टर मनोज मित्रा, डॉक्टर घनश्याम समेत कई शिक्षक और छात्र छात्राएं शामिल थे। पहली मांग तो ये है कि कुलपति 6-7 महीने से प्रभारी कुलपति यहाँ आए नहीं। पहली मांग है कि कुलाधिपति तत्काल अस्थायी कुलपति की नियुक्ति करे, यह बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि भैरवा तालाब से जो मिट्टी उठाई गई है तो मारवाड़ी कॉलेज के सामने देखिएगा, सड़क पर लोग गिर रहे हैं, TNB कॉलेज के अंदर गिर रहे हैं, लालबाग जो मतलब परिसर है हमारा, शिक्षक यहाँ रहते हैं, वहाँ तो सड़क पर ही मिट्टी है। तो सवाल है जो कंपनी है, या तो कंपनी मिट्टी हटाए या नहीं तो विश्वविद्यालय हटाए, दोनों में से किसी को नहीं करना है। और जैसी तैसी मिट्टी फेंक के चला गया है, 276 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इतना पैसा भी नहीं है कि वो रास्ता साफ कर सके, तो दूसरी मांग ये है। तीसरा देखिएगा कि 8-9-10 महीना हो गया शिक्षक को सेवानिवृत्त हुए, कर्मचारी को सेवानिवृत्त हुए और उसको पेंशन नहीं मिला, उसको ग्रेजुटी नहीं मिली, तो विश्वविद्यालय है क्यों, किस बात के लिए है? जी स्वाभाविक है उनके लिए बैठे हैं, जैसा कि हमें सुनने में आया, कल हमारे एक प्रोफेसर साहब की पत्नी भी गिर गई थी और कल शाम में उनको देखने भी गया था। समस्याएं हैं, मैंने अभी भैरवा तालाब के मैनेजर को आदेश दिया है इमीडिएट, खासकर सड़क जो है, जो स्लिपरी रोड है उसको साफ करवावे, वो अभी तुरंत भेज रहे हैं, उसको साफ करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और जैसे थोड़ा सा सूखा होता है तो फिर बाकी उसको और बेहतर ढंग से करने का प्रयास किया जाएगा। नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीपुर रिंग बांध के समीप फोरलेन सड़क पर हाईवा ट्रक की चपेट में आने से आश्रम टोला कदवा निवासी अच्छे लाल यादव के पुत्र रंजन की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रंजन की बहन की 22 जून को शादी थी, जिसकी तैयारी को लेकर वह बाजार करने नवगछिया गया था, लेकिन घर लौटने के क्रम में रंजन एक हाईवा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर हालत में रंजन को उठाकर उपचार के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रंजन की मौत हो चुकी थी। वहीं घटना को लेकर कदवा OP थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि रंजन के साथ वज्रेश कुमार यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने गच्छी अस्पताल से भागलपुर माइगन अस्पताल रेफर कर दिया। अगर घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और शादी की खुशी के जगह परिवार समेत पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया। इसका जो है बहन का शादी था 22 को, हाँ, एक कार्ड देने के लिए अपने दोस्त को, हाँ, लोग अच्छा आ रहे थे और सोम पड़ गया तो गाड़ी जा रहा था रिटर्न होके। कहाँ से आए थे कार्ड देना?
अतरम टोला से, अपने निजी आवास से। अतरम टोला? हाँ, कदवा खेरपुर पंचायत पड़ता है। हाँ, वहीं से आया था, अपने दोस्त को कार्ड दे के जा रहा था। हाँ, जैसे ही श्रीपुर टर्न होते हुए पंप के पास गया। हाँ, तो वहाँ पे लोग दो आदमी थे। हाँ, बाइक सवार पे दो आदमी थे। हाँ, तो आगे से ट्रक आके इसको जोरदार धक्का दे दिया, जिसमें से कि रंजन कुमार उसी जगह स्पॉट डेट कर गया। उसके साथ एक ब्रजेश कुमार था, वो अभी उसका भी हालत गंभीर है, नवच्छा अस्पताल से रेफर करके उसको मायागंज दिया गया। शराब बंदी के बावजूद जहां बिहार में धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार जारी है, वहीं सोमवार को खरीद बिक्री के लिए ट्रेन के माध्यम से गोड्डा से लाई जा रही देशी महुआ शराब को भागलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खुटाहा हॉल्ट के पास से बरामद कर जब्त कर लिया। भागलपुर बाईपास टीओपी थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में खुटाहा हॉल्ट के पास से ट्रेन से उतारने के दौरान देशी शराब और दो महिला समेत तीन शराब तस्कर को दबोच लिया गया। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक की बोतल में 31 बोतल शराब भरकर अवैध तरीके से बेचने के ख्याल से भागलपुर लाया जा रहा था। वहीं गिरफ्तार शराब तस्करों की पहचान बनगांव खुटाहा निवासी दिनेश यादव की 45 वर्षीय पत्नी बुद्धू देवी, बिल्ला मंडल की पत्नी 50 वर्षीय पूनम देवी और दिनेश यादव के 20 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद पूरे देश में छात्र नौजवानों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति को लेकर लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिला। इस दौरान अमर सिंह कुशवाहा ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने कहा कि 17 से 21 वर्ष की उम्र बच्चों की शिक्षा पूरी करने की उम्र होती है, और ऐसे में यदि वे अपने जीवन की महत्वपूर्ण 4 साल भारतीय सेना को दे देते हैं तो उनके शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। उन्होंने कहा कि 21 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट के बाद शायद ही कोई कॉलेज उन्हें एडमिशन दे दे, जबकि नियमित शिक्षा के माध्यम से बच्चे जो ज्ञान हासिल करते हैं वह शिक्षा 4 साल की पढ़ाई छूटने के बाद संभव नहीं हो सकता है। साथ ही कहा कि अगर केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को किसान बिल की तरह वापस नहीं लिया तो उनकी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इधर प्रतिनिधि मंडल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश सचिव पीयूष पासवान, सुबोध कुमार, रमन संतोष साहब, महिला जिलाध्यक्ष पब्ली वर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी जितने भी जिला मुख्यालय हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 17 से 21 वर्ष लोगों को कहा कि जो है आप लोग को सेवा देना होगा फौज में, निश्चित रूपेण कहीं ना कहीं छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। छात्र अगर जरूरी नहीं है कि सभी लोग फौजी बने, किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को बीपीएससी कंप्लीट करना है, हर एक विभाग को चाहिए कि हर एक विभाग में लोग नौकरी लें। और ये निर्णय, भारत सरकार का ये निर्णय बिल्कुल निराधार है। इसलिए निराधार है क्योंकि हर एक सेक्टर में लोग जाना चाहते हैं, और ये फैसला तानाशाह फैसला है। इसके विरोध में हम लोगों ने डीएम साहब को आकर ज्ञापन सौंपा, और डीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि निश्चित रूपेण इसको हम आगे फॉरवर्डिंग करेंगे।
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में पिछले कई दिनों से संघर्षशील अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। धरना पर बैठे अभ्यर्थी विश्वविद्यालय प्रशासन से अतिथि शिक्षकों की बहाली के लिए साक्षात्कार शेड्यूल जारी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं संघ के डॉक्टर सौरभ झा ने कहा कि अगर समय पर अतिथि शिक्षकों को बहाल नहीं किया गया तो TMU के छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होगा। उन्होंने बताया कि जब तक साक्षात्कार शेड्यूल जारी नहीं होगा संघर्षशील अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी संघ का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। धरना में संघ के सचिव डॉक्टर अमलेंदु कुमार अंजन, कोषाध्यक्ष डॉक्टर बंशी हैदर, डॉक्टर कपिल देव मंडल सहित कई अभ्यर्थी शामिल थे। 6 महीने से यहाँ के प्रभारी कुलपति नहीं आए हैं मुख्यालय में और स्थायी कुलपति की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। हम लोग अतिथि शिक्षक अभ्यर्थीगण यहाँ बैठे हुए हैं साक्षात्कार और शेड्यूल जारी करवाने के लिए। 8 महीना पूर्व हम लोगों का आवेदन लिया गया, स्क्रूटनी के लिए 6 दिन धरना देना पड़ा, उसके बाद हम लोगों का स्क्रूटनी हुआ। आज यह स्थिति है कि हमको साक्षात्कार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। विभिन्न समस्याएं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 8,000 डिग्री पड़ी हुई है छात्रों का, किसी का सलेक्शन कहीं नौकरी में हो गया है, वो वहाँ मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं करवा पा रहा है, ऐसे कई तरह के यहाँ मामले हैं। शिक्षक परेशान है, छात्र परेशान है, कर्मचारी परेशान है, सभी लोग यहाँ परेशान है। ऐसे में मैं अपील करूँगा यहाँ के सरकार से और राजभवन से कि स्थायी कुलपति की नियुक्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए। भागलपुर के सुल्तानगंज में होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह ने आज कैबिनाथ गंगा घाट सहित कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह ने कच्ची कांवरिया पथ में PST विभाग के द्वारा कराए जा रहे कई कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें अब तक चापाकल की मरम्मति नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। टुनटुन साह ने कहा कि अब तक ना तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई है और ना ही शौचालय की ही व्यवस्था दुरुस्त की गई है। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद धरातल पर कार्य नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और वह इसकी शिकायत जिलाधिकारी से करेंगे, जिससे कार्यों में तेजी लाई जा सके। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद रामायण शरण गुप्ता, गंगा महासभा के अध्यक्ष संजीव झा, विनय शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। श्रावणी मेला के उपलक्ष्य पर DM साहब की अध्यक्षता में आज नगर परिषद में बैठक थी, उसी में भाग लेने आए थे। भारत बंद के दौरान बैठक को स्थगित कर दिया गया, 17 तारीख को बैठक थी, उसके बाद उस दिन भी जो है टायर और लोग जलाए थे रास्ते में, तो उसके लिए 20 तारीख आज बैठक स्थगित कर दिया। तो हम सोचे भाई क्षेत्र से घूर लेते हैं, गांधी बेलारी से लेकर सुल्तानगंज गंगा घाट तक पूरे का मैं स्वयं निरीक्षण किया और PhD को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने चापाकल हैं उससे पानी निकल रहा है लेकिन गंदा पानी निकल रहा है। बाद बाकी शौचालय का जो है कार्य जो चल रहा है उसमें केवल पेंट किया जा रहा है, उसमें चूना और पेंट मार रहा है, ना प्लास्टर कर रहा है, ना उसको सीट को जो बिठा करके ठीक से उसको ना गिट्टी दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। इसी तरह उसको जैसे पहले का था उसको सिर्फ खाली उसमें पेंटिंग कर रहा है, खाना पूर्ति कर रहा है और पानी की समुचित व्यवस्था, जैसे कि आप शौचालय जाएंगे तो पानी अगर उसमें नहीं देंगे तो गंदा रहेगा। उस हमारे वीडियो बनाए, फोटो बनाए, फोटो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ये व्यवस्था है। जहाँ तक कांवरिया कच्ची पथ जो 2 साल से श्रावणी मेला नहीं चल रहा था लेकिन बालू गिरे हुए हैं, लेकिन काम रोड पर नहीं हुआ है, संकलीकरण नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने RCD जो है PWD के स्कूल इंजीनियर से बात किया, तो बोला कि बांका में पड़ता है और अभी उसका टेंडर नहीं हुआ है, तो आज ही टेंडर जब नहीं हुआ काम कैसे करेगा, वो तो सही बात है। लेकिन हमारा कहने का मतलब बालू गिरे 2 साल से नहीं कांवरिया और जो स्टैंड जो है कांवर रखने का वो सभी टूटा फूटा जिन्हें है, मतलब कोई व्यवस्था अभी तक झलक नहीं रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में लोजपा रामविलास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नवगछिया अनुमंडल परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व नवगछिया जिलाध्यक्ष अवधेश पासवान ने किया। इस दौरान अवधेश पासवान ने अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पार्टी की मांगों से प्रशासन को अवगत कराया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की ओर से अग्निपथ योजना को वापस लेने, पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः चालू करने, MP/MLA की पेंशन व्यवस्था को बंद करने के साथ बाढ़ और कटाव की समस्या का स्थायी निदान करने मांग प्रशासन के माध्यम से केंद्र और राज्य से की गई है। धरना में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। मेरा नाम अवधेश पासवान, अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नवगछिया। आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम हम लोग रखे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले। मेरा मुख्य मांग है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ की है माननीय मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने, मैं इसके विरोध में निवेदन करना चाहता हूं
ये प्रक्रिया जो प्रारंभ किया गया है उसे अविलंब वापस लिया जाए। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों में ठनका गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई। बताया जा रहा है कि गालिमपुर गांव में शनिवार की देर रात ठनका गिरने से गांव के 70 वर्षीय मुनीलाल मंडल गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद में मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि मुनीलाल मंडल देर रात लघुशंका के लिए घर से निकले थे, तभी अचानक ठनका गिरने से उनके घर का छत टूट गया और वृद्ध इसकी चपेट में आ गए। साथ ही परिजनों ने बताया कि घायल अवस्था में वृद्ध को इलाज के लिए भागलपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर एक अन्य घटना में कोल बुजुर्ग पंचायत पुरंचक गांव निवासी बेलदार के पुत्र बबलू मंडल और रिंकू देवी ठनका गिरने से गंभीर रूप से जख्मी, जिसको लेकर परिजनों ने बताया कि 38 वर्षीय बबलू मंडल एवं उनकी पत्नी रिंकू देवी वज्रपात की चपेट में आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, लेकिन बाद में बबलू मंडल की मौत हो गई। घर वालों ने बताया कि मृतक बबलू मंडल घर के बाहर पानी लाने गए थे और लौटने के क्रम में ठनका गिरा, जिसमें बबलू के साथ उसकी पत्नी भी जख्मी हो गई, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए रेफर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बबलू मंडल की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी रिंकू देवी का इलाज अस्पताल में जारी है। इसके अलावा नयाचक गाँव में ठनका गिरने से निरंजन पासवान की पत्नी पिंकी देवी भी जख्मी हो गई। भारत बंद को लेकर बांका के एडीएम माधव कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर शालिग्राम साह और मुख्यालय डीएसपी मंगलेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से अमरपुर क्षेत्र का दौरा कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान तीनों पदाधिकारियों ने मौजूद अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने और किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। एडीएम ने अमरपुर की मूलभूत समस्याओं जानकारी लेने के बाद बस स्टैंड का निरीक्षण किया, जहां बस स्टैंड पर निर्मित बजरंग बली के मंदिर में प्रतिमा के अनावरण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा एडीएम ने वहां मौजूद सीओ वत्सांग कुमार को नवनिर्मित मंदिर के समीप सरकारी स्थल को चिन्हित करने का निर्देश दिया, जिससे मंदिर परिसर के समीप स्थित सरकारी भूमि पर बस स्टैंड का निर्माण किया जा सके। साथ ही उन्होंने सीओ को अविलंब शहर में अतिक्रमित सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराने का निर्देश दिया। मौके पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार सहित कई अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। आज भारत बंद का आह्वान है, विधि व्यवस्था को लेकर के ही आज हम लोग यहाँ पे डीएसपी साहब हैं, पटना डीएसपी साहब हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर शालिग्राम जी हैं, वीडियो साहब हैं, सीओ साहब हैं, अब तमाम पदाधिकारी हैं। तो चौकसी बढ़ती जा रही है एहतियात से, ताकि आम जनता को किसी तरह कठिनाई नहीं हो। इसी संदर्भ में आज अमरपुर सहित संपूर्ण जिले का दौरा हम लोग कर रहे हैं, और कोई खास विशेष बात नहीं है। रही बात कुछ है जो स्थानीय समस्या है, उन पर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि अमरपुर को जाम से मुक्ति हो सके। बाईपास भी बन रहा है, आपको प्रस्तावित है, वो भी बनेगा, और इसके पहले बस स्टैंड की भी हम लोग बात कर रहे हैं। परिपाती में एसडीओ और एसडीपीओ ने भारत बंद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसडीओ मधुकांत और एसडीपीओ शिवानंद सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए पार्किंग में खड़े ऑटो और आम लोगों को स्टेशन परिसर से बाहर किया। इस दौरान स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार, परिपाती प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन चक्रवर्ती और आरपीएफ के एसआई भवेश कुमार सहित पुलिस के जवान मौजूद थे। एक तो पहली बात है कि ट्रेन अधिकांश कैंसिल है, शुभ दिन में अधिकांश क्या सारी ट्रेन कैंसिल है। गुड्स ट्रेन कुछ जो एनटीपीसी वगैरह में जा रही है तो वही चल रही है। तो एक तो पब्लिक का मूवमेंट का स्टेशन के आसपास का तो बहुत चांस नहीं है, और सुरक्षा हर जगह लगाया गया है, मजिस्ट्रेट और फोर्स काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है, सब काफ़ी लोग एक्टिव हैं, सब लोग उपस्थित हैं। अभी हम लोग कहलगाँव से होते हुए शिव नारायणपुर, विक्रमशिला, लक्ष्मीपुर, ये सब होते हुए त्रिवेणी तक आए हैं, सभी जगह फोर्स डिप्लॉयड है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भारत बंद का भागलपुर में दिखा मिला जुला असर, विपक्षी पार्टियों ने अपनी पद स्कीम को वापस लेने की केंद्र सरकार से की मांग। बंद के दौरान भागलपुर में सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, डीएम और एसएसपी खुद कर रहे थे मॉनिटरिंग। दिल्ली एम्स से उम्मीद खो चुके मरीज का भागलपुर में हुआ सफल इलाज, कैंसर के कारण काटना पड़ा था नाक और चेहरा। टीएमबी में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर प्रोफेसर योगेंद्र ने दिया धरना, शिक्षकों और छात्रों का मिला समर्थन। और बहन की शादी के लिए खरीदारी करने बाजार गए युवक को हाईवा ने रौंदा, मौके पर हुई मौत।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।